यातायात के नियमों का पालन कराने सरगुजा पुलिस के द्वारा विविध कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां छात्र छात्राओं को यातायात के नियमों सहित अन्य आवश्यक जानकारियां भी प्रदान की जा रही है। छात्र छात्राओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने दैनिक जागरण नई दुनिया के द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। शहर के मल्टीपर्पज स्कूल में हुए यातायात सुरक्षा संबंध में शपथ समारोह में सरगुजा रेंज आईजी राम गोपाल गर्ग, जिले की एसपी भावना गुप्ता सहित स्कूली छात्र छात्राओं व शिक्षक शिक्षिकाओं को यातायात के नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलाई गई। आज मल्टीपर्पज स्कूल अंबिकापुर में नई दुनिया द्वारा यातायात सुरक्षा के संबंध में एक शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें सभी स्कूल के बच्चों को यातायात नियमों के पालना करने हेतु शपथ दिलवाई गई। तो इसमें हमें आमंत्रित किया गया था, तो हमने यहाँ पे शपथ दिलाई और सभी छात्रों को यही सुझाव दिया कि भविष्य में वो अच्छे नागरिक बने तो यातायात नियमों का पालना उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। सर, स्कूली बच्चे को जागरूक करने उसमें कुछ चिन्हित स्कूली बच्चों को हेलमेट भी बांटा गया और उनको यह भी सुझाव दिया गया कि जब भी सड़क पर निकलें हेलमेट पहनकर निकलें और यातायात नियमों का पालन करें। छात्र छात्राओं को भविष्य में अच्छे नागरिक बनने और यातायात के नियमों का पालन करने की समझाइश रेंज आईजी के द्वारा दी गई है, जिससे वह अपने आप सहित दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। साथ ही स्कूल में पढ़ रहे 18 वर्ष की आयु के हो चुके लाइसेंसधारी बच्चों को हेलमेट का वितरण किया गया। दैनिक जागरण नई दुनिया के द्वारा देश के 11 राज्यों में एक साथ यातायात नियमों का पालन कराने शपथ समारोह का आयोजन किया गया है। दैनिक जागरण नई दुनिया के संभागीय प्रमुख अनंगपाल दीक्षित ने बताया कि बीते 26 दिनों से देश के 75,000 किलोमीटर की जो सड़क है उनमें हुई खामियों को लेकर 700 रिपोर्टर ने काम किया है, जिसके बाद आज छत्तीसगढ़ से लेकर जम्मू तक 11 राज्यों में सभी संस्करण क्षेत्रों में जिला से लेकर ब्लॉक मुख्यालय स्कूल कॉलेजों सहित कस्बों में धार्मिक स्थलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही ऐसी संस्था जहां के लोग मोटरसाइकिल चलाकर सड़कों पर आना जाना करते हैं उन सभी जगहों पर भी सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ समारोह का आयोजन किया गया है। दैनिक जागरण नई दुनिया के द्वारा देश के 11 राज्यों में एक साथ ये कार्यक्रम आयोजित किए गए। पिछले 26 दिनों से देश के 75,000 किलोमीटर जो सड़क है उसमें कहाँ कहाँ खामियाँ हैं उसको लेकर 700 रिपोर्टरों ने काम किया और उसके बाद आज पूरे 11 राज्यों में छत्तीसगढ़ से लेकर जम्मू तक सभी संस्करण क्षेत्रों में आज ये कार्यक्रम हर जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय, कस्बाइयों में, स्कूलों, कॉलेजों और जितने भी धार्मिक स्थल हैं और जितने भी स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सभी जगह आयोजन हो रहा है। एसीसीएल क्षेत्रों में जहाँ पे अधिकारी कर्मचारी रहते हैं जो रोज़ बाइक चला के जाते हैं अपने कार्यस्थल पर, सभी जगह आयोजन किया गया और आज शपथ का कार्यक्रम था। हमको सड़क सुरक्षा को लेकर शपथ लेनी थी। आज हम लोग मल्टीपर्पज़ में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए और यहाँ पे सरगुजा रेंज के आईजी और सरगुजा की एसपी और शहर के जो मेयर हैं डॉक्टर अजय तिर्की, सभी इसमें शामिल हुए और सभी ने मिलकर बच्चों को, लगभग 2,500 यहाँ बच्चे हैं, सभी को एक साथ शपथ दिलाई गई है कि हम सड़क पे हमेशा सुरक्षित चलेंगे और दूसरों के लिए कभी बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे और यदि कोई बाधा उत्पन्न करता है या कोई दुर्घटनाग्रस्त होता है उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उठाएंगे। स्कूली बच्चों को हेलमेट प्रतीकात्मक रूप से बांटा गया है ताकि लोग बच्चे समझें, क्योंकि अभी इनका वोटर आईडी बना है, अभी लाइसेंस बना है, तो ये बच्चे समझें कि वोटर आईडी और लाइसेंस बनने से काम नहीं चलेगा, सिर पे हेलमेट लगाना पड़ेगा। इसलिए एसपी मैडम का ये प्रस्ताव था तो उन्होंने ही अपनी ओर से हेलमेट का निःशुल्क वितरण कराया है।